Now, dear friends, most welcome you all in my YouTube channel for Unemployment Info. आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर पूरी तरह से सुरक्षित, सुकुशल और खुशहाल होंगे। और गुजारिश भी करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें व सुने, ताकि इसके अंदर उपलब्ध करवाई गई फॉरेन जॉब से संबंधित इन्फॉर्मेशन आप सभी को सुचारू रूप से हासिल हो सके। और जो भी नीडी भाई जॉब की तलाश में हैं, उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, हमारे पास साइप्रस कंट्री के लिए निम्नलिखित कैटेगरीज की रिक्रूटमेंट करने के लिए हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में 23 जुलाई को इसका इंटरव्यू निर्धारित किया गया है। इंटरेस्टेड भाई लोग इस बताई गई तिथि को उपस्थित होकर अपने सभी के सभी टेस्टिमोनियल्स को लेकर इसमें हिस्सा लें। इन कैटेगरीज के संदर्भ में आप सभी से मैं थोड़ी सी और ज़्यादा जानकारी शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, साइप्रस कंट्री के लिए जो हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में 23 जुलाई को जिन कैटेगरीज के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, वो कैटेगरीज निम्न सीरियल वाइज इस भांति हैं। हमें 10 की संख्या में सिविल फोरमैन चाहिए। कंपनी की तरफ से सूटेबल और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए $550 से लेकर $600 के बीच में सैलरी को फिक्स किया जाएगा। और अन्य फैसिलिटीज़ साइप्रस के लेबर लॉ के अनुसार भी इन्हें प्राप्त होंगी। प्लास्टर और ब्लॉक मेसन, इनकी भी 10 रिक्तियां अवेलेबल हैं, जिन्हें भी उपरोक्त इंटरव्यू कंडक्ट करके ही फिलअप किया जाएगा। कंपनी की तरफ से इन्हें पर मंथ $450 से लेकर $500 के बीच में सैलरी का भुगतान होगा। टाइल्स, मार्बल और सिरेमिक मेसन्स, इनकी भी रिक्रूटमेंट की जाएगी। संख्या में ये भी 10 रिक्तियां भरी जाएंगी और कंपनी के द्वारा इन्हें भी सेम सैलरी ऑफर की गई है, अर्थात $450 से लेकर $500 के बीच में पर मंथ सैलरी इनकी फिक्स होगी। 10 पेंटर भी साइप्रस के लिए भरे जाएंगे, इन्हें भी वही सैलरी का स्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा ऑफर किया गया है, अर्थात $450 से लेकर $500 के बीच में इन पेंटर भाइयों को सैलरी का भुगतान होगा। इसके लिए रिमार्क्स के कॉलम में भी कंडीशंस लगा रखी हैं। दे मस्ट हैव ए प्रोफेशनल एबिलिटी टू रिपेयर walls cracks, holes, gypsum joints with perfect final finishing, etc. अर्थात दे मस्ट हैव प्रोफेशनल एबिलिटी, उनमें प्रोफेशनल तौर पर ये योग्यता होनी ही चाहिए कि वो क्रैक वॉल्स, होल्स और जिप्सम जॉइंट्स को पूरी तरह से रिपेयर कर सकें। और नेक्स्ट इसमें मेंशन किया गया है, एंड ऑफ कोर्स ऑल काइंड्स ऑफ पेंटिंग वर्क्स, निसंदेह उन्हें सभी प्रकार के पेंटिंग कार्यों में अनुभव होना चाहिए। इसी साइप्रस कंट्री के लिए इलेक्ट्रिशियंस के भी हम आमंत्रित पत्रों को इसमें सबमिट करना चाहेंगे, अर्थात इलेक्ट्रिशियन भी इसमें आमंत्रित किए जाते हैं,
उनके आवेदन पत्र भी सबमिशन किए जाएंगे और सूटेबल इलेक्ट्रिशियंस का चयन भी होगा। इनकी भी 10 पोजीशंस खाली हैं जिन्हें रिक्रूट करके भरा जाएगा और कंपनी की तरफ से सैलरी का पैकेज $450 से लेकर $500 के बीच में ऑफर किया गया है। साथ में इसी साइप्रस कंट्री के लिए प्लम्बर कैटेगरीज को भी भरा जाएगा। प्लम्बर की भी 10 रिक्तियां खाली हैं जिनके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सिलेक्टेड प्लम्बर्स कैंडिडेट्स को भी वही सैलरी का सेम स्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा फिक्स किया जाएगा, अर्थात पर मंथ $450 से लेकर $500 के बीच में इन प्लम्बर भाइयों को सैलरी का पैकेज प्राप्त होगा। एसी टेक्नीशियंस भी रिक्रूट किए जाएंगे, इनकी भी संख्या 10 पदों के लिए है। इन एसी टेक्नीशियंस कैंडिडेट को भी सेम सैलरी का आधार रहेगा, अर्थात $450 से लेकर $500 के बीच में सैलरी का भुगतान कंपनी पर मंथ के हिसाब से करेगी। एंड इनके लिए जो शर्त है, मस्ट हैव एबिलिटी फॉर इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर एसी स्प्लिट यूनिट एंड डीएक्स यूनिट, अर्थात इन एसी टेक्नीशियंस को ये जो स्प्लिट यूनिट और डीएक्स यूनिट के सेट्स को रिपेयर करने की एबिलिटी होनी चाहिए और उन्हें स्थापित करने के लिए भी उनके पास अच्छा अनुभव होना ही चाहिए। बेल्डर ब्लैकस्मिथ 10 की संख्या में भरे जाएंगे, सेम सैलरी का पैकेज इन्हें भी प्राप्त होगा, अर्थात पर मंथ $450 से लेकर $500 के बीच में इन्हें भी सैलरी का पैकेज मिलेगा। और दे मस्ट हैव एबिलिटी टू फैब्रिकेट एंड बिल्ड स्टील टेबल स्टील स्टेयर्स। इन बेल्डर और ब्लैकस्मिथ कैंडिडेट्स को ये स्टील की सीढ़ियाँ और स्टील के टेबल्स को फैब्रिकेट करना आना चाहिए और बेल्ड करने की भी उनमें योग्यता होनी ही चाहिए। जिप्सम बोर्ड टेक्नीशियंस ये भी इस कंपनी को तुरंत आवश्यकता है, इनके भी 10 पद भरे जाएंगे। उचित कैंडिडेट से जिप्सम बोर्ड टेक्नीशियंस के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और इनका भी 23/7 को इंटरव्यू कंडक्ट होगा और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर ही इनकी भी सिलेक्शन की जाएगी। इन जिप्सम बोर्ड टेक्नीशियंस को भी सैलरी का वही पैकेज प्राप्त होगा, अर्थात $450 से लेकर $500 के बीच में सैलरी प्राप्त होगी। दे मस्ट हैव ए प्रोफेशनल एबिलिटी टू रिपेयर ऑफ ऑल क्रैक्स होल्स जिप्सम जॉइंट एटसेट्रा। इन जिप्सम बोर्ड टेक्नीशियंस को ये सभी प्रकार की क्रैक्स होल्स जिप्सम जॉइंट्स को रिपेयर करने की प्रोफेशनल तौर पर योग्यता होनी ही चाहिए। दोस्तों, इन सभी पोजीशंस के लिए जो साइप्रस कंट्री के लिए हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में 23 जुलाई को इंटरव्यू कंडक्ट करके इन सभी रिक्तियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए सर्टेन निम्न कुछ एक टर्म्स और कंडीशंस कंपनी की तरफ से अप्लाई की गई हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में 23 जुलाई को सुबह टाइम से पहुंचकर इस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन उपलब्ध करवाई जाएगी। कंपनी इन्हें ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और मेडिकल
ये सभी प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान करेगी और ओवर टाइम भी इन्हें प्राप्त होगा। कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू लिटिल विट इंग्लिश स्पीकिंग, कैंडिडेट को थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने की योग्यता होनी ही चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव जीसीसी एक्सपीरियंस, कैंडिडेट्स के पास जीसीसी अर्थात गल्फ कंट्रीज में कार्य का अनुभव होना ही चाहिए। एंड शुड बी फैमिलियर विद मॉडर्न इक्विपमेंट, नवीनतम प्रकार के उपकरणों के साथ उन्हें फैमिलियर भी होना चाहिए अर्थात उनकी जानकारी भी इन्हें अवश्य होनी चाहिए। इन सभी पोजीशंस के लिए जो भी भाई लोग रुचि रखेंगे और इंटरेस्टेड हैं वो अपने सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर के चंडीगढ़ ऑफिस 23 जुलाई को सुबह 9 बजे पहुँचे और पॉसिबली ये लोग उससे पहले हमारी निमन दी गई ईमेल आईडी पर अपने सभी के सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। इन सभी बताई गई सभी वैकेंसीज के संदर्भ में किसी भी क्वेरी के लिए आप सभी बंधु भाई लोग इन दिए गए निम्न कॉन्टैक्ट नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी से अंत में मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल फॉरेन एम्प्लॉयमेंट इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया से एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके इसकी समस्त जानकारी को डे बाई डे ऑटोमेटिकली अपने मोबाइल फ़ोन पर हासिल करें। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।